खोलूं, बस मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डाकू। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी, उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। अरे मेरे बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मेरे में से मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बच्चा इतना अच्छा था। कब फोन आया था आपके पास? मेरे पास रात के 3 बजे से। क्या बोला? और मेरे उसके दोस्त का फोन आया, बोला आंटी अंकल से बात कराइए, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है। हम लोग इतने दूर बैठे कैसे पहुंचे, बोला जल्दी आ जाइए। बस ये लोग जल्दी जल्दी निकल गए, उसके पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। कब से जॉब कर रहे थे वहाँ, कब से रह रहे थे? 2-3 साल हो गए उसको जॉब करते वहाँ, और अभी वो अच्छी जॉब में था। वो वही एक था, हम लोगों को सहारा सब चीज का चला गया, हमारा सहारा छूट गया। अभी हमने छोटे भाई को ही पढ़ाता था, अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी हम लोगों की जिम्मेदारी भी वही उठाया था। अब कौन करेगा ये सब? अब कोई नहीं है, मेरा तो छोटा बेटा पढ़ रहा है, अभी उसके लिए भी मेरा कोई नहीं है सहारा। बेटा चला गया। क्या बोला उनके दोस्तों ने? क्या बोला दोस्त? बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक, मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मेरे को तो क्या करूंगी, इतना बड़ा सदमा से नहीं कर पाऊंगी मैं तो खुद। अरे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए, जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे भी कभी भी उसे बाहर न रहे, मुझे न्याय दिलवाइए। वैसे उसको मिलनी चाहिए जैसे वो किया। ये हमारे परिवार का नाती है, सबसे बड़ा नाती है ओम प्रकाश, हमारा बड़ा पुत्र है, उसका पुत्र है अनीश अवधी है। यहाँ से पढ़ने के बाद वो पूरा पढ़ने गया था, 4 साल पढ़ाई करने के बाद साफ इंजीनियर हो गया और वहीं 2-2.5 साल से नौकरी करने लगा। और नौकरी जब करने के बाद कुछ उसको आमदनी होने लगी तो अपने छोटे भाई को भी बुला लिया, आर्थिक समस्या ठीक नहीं थी तो अपने छोटे भाई को भी शिक्षा ग्रहण कराने के लिए वहाँ बुला लिया और दोनों वहीं रहने लगे। 19/5/24 को रात को किसी पार्टी में वो गया हुआ था, जब पार्टी से वो लौट रहा था तो पीछे से काफी स्पीड से करीब 2.5-3 करोड़ की गाड़ी थी, कोई वहाँ का बहुत बड़ा बिल्डर था, उसका नाबालिग लड़का जो 17 साल से करीब ज्यादा ही था, नाबालिग लड़का, उसमें उसके पिताजी वगैरह भी थे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, ना नंबर था, ना लड़के का ड्राइविंग लाइसेंस था, उसने दारू भी पी रखा थी और काफी स्पीड से 240 की स्पीड में गाड़ी चलाया गया, जिसके कारण से मोटरसाइकिल में टकरा गई और उसमें से हमारा जो नाती है उसमें एक्सीडेंट घायल हो गया, उसमें एक और लड़की भी थी वो दोनों घायल हो गई और वहीं पता चला कि वहीं वो खत्म हो गए। तो क्या परिवार मांग करता है इस घटना के बाद? हम भी मांग करते हैं कि शासन के द्वारा जो हमारे
बच्चों को नाते को क्षति हुई उसको भरपाई की जानी चाहिए, और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी मर्ज के बीच में मर्ज से जो भी वहाँ जाते हैं काम करने जाते हैं तो वहाँ के लोगों द्वारा काफी चाहे बड़े अधिकारी हो या पूंजीपति हो भेदभाव के दृष्टिकोण से देखा जाता है और प्रचारित किया जाता है। कॉपरेट नहीं कर रही वहाँ की पुलिस, और पुलिस में किसी प्रकार का ऑपरेट नहीं कर रही, ना पुलिस वाले ऑपरेट कर रहे हैं ना हॉस्पिटल स्टाफ के ऑपरेट कर रहे हैं, किसी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम दादा आपका? आत्माराम अवधिया, एडवोकेट। मेरा भाई जो है वो नॉर्मल स्पीड से बहुत चलती फिरती रोड है, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, उस रोड से मेरा भाई बहुत ही, जैसा कि आपने सीसीटीवी पे देखा होगा, बहुत ही नॉर्मल स्पीड से मेरा भाई चलता है, और पीछे से एक बहुत लग्जीरियस कार आती है पोर्श, और वहाँ से उसको इतनी 200 या 200 के ऊपर की स्पीड में उसको वहाँ से ठोककर चली जाती है। मेरे भाई के साथ जो हुआ वो आप सबने तो देखा ही है, इसके लिए मैं आपसे और महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि मेरा भाई पुणे ही गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए, वो इतना ब्रिलियंट था कि पढ़ाई करते करते ही उसकी जॉब लग गई थी। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, हम लोगों ने जैसे उसको पढ़ाया लिखाया इतना पैसा उसके ऊपर लगाया, कोई भी माँ बाप को यही सोचकर पैसा लगाते हैं कि हमारा बेटा कल को कुछ बनेगा, कुछ पढ़ेगा और आगे जाकर जॉब करेगा और अपने माँ बाप का सहारा बनेगा, यही सोचकर हमने अपने भाई का एडमिशन करवाया पुणे में, उसको जॉब दिलवाई, जॉब अब उसको उससे मिली जॉब, और वो इतना ब्रिलियंट था, इसके बाद जब उसकी जॉब लग गई तो वो जॉब करने लगा, लेकिन साथ में जो परिवार की मेंटली कंडीशन है आज उसके साथ घटित हुआ है, उसके साथ परिवार ने एक अपना जो भी उसकी क्षतिपूर्ति हुई है उसकी तो कुछ क्षतिपूर्ति को कुछ कर नहीं सकता कोई, जो भी उसको आज हार हुआ है, हमने अपने घर का बेटा खो दिया जो सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी खराब है तो मैं महाराष्ट्र सरकार से बोलना चाहूंगी कि आप हमें एक बेहतर सपोर्ट दीजिए जिससे हमको एक जो हमारा जस्टिस है वो हमको मिल सके, जो एक्शन में मिलना चाहिए, क्योंकि एक 17 साल का लड़का जो आपको सबको पता है कि उसने लिकर कितना कंज्यूम किया हुआ था, वो कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में, और फिर लास्ट में उसको यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक ऐसे लिख के आएगा, तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा। मेरे भाई की जिंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, और मैं नहीं मानती कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ इतना ब्रॉडली दिया हुआ है कि यहाँ से कोई भी दोषी जो है वो ऐसे बच के नहीं जा सकता। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई के लिए जितनी भी हो सके उतनी आप मदद कीजिए। अनिस अवधिया जो हमारा भतीजा था वो 8 साल से पुणे में रह रहा था, और डीवाई पाटिल कॉलेज में पढ़ने के उपरांत वही एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जॉब कर रहा था। 19 तारीख की रात की घटना है, वो अपने एक मित्र के साथ एक बाइक से जा रहा था तो पीछे से पोर्से गाड़ी से एक अग्रवाल परिवार का लड़का, वेदांत अग्रवाल, विशाल अग्रवाल का लड़का, जैसे कि मीडिया से हम नाम आया, वो पप में दारू पिया है अपनी 12th पास करने की पार्टी मनाया है, और काफी मात्रा में दारू पीने के बाद 150-200 की रफ्तार से वो पीछे से तेजी से लाया है और इसको हिट कर दिया है, और ये वहीं पर स्पॉट पर पकड़ा भी गया, काफी दारू पिया हुआ था, जो जनता थी वहां उसको पकड़ के पुलिस को सौंपती है, पुलिस उसको ले जाती है और उसका मेडिकल नहीं कराती है, क्योंकि मेडिकल यदि कराती तो वहां न्यायालय में उसको पेश करती, 12-14 घंटे के अंदर उसकी बेल हो जाती, यदि मेडिकल होता पुलिस मेडिकल कराती तो उसको बेल नहीं मिल सकती, और इस प्रकार से 1-2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे परिवार का होनहार होता, हम लोगों से छीन लिया गया। क्या मांग करते हैं आगे आप? हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और महाराष्ट्र पुलिस से ये दरखास्त है कि जो विवेचना में वास्तव में जो धाराएं लगानी चाहिए वो नहीं लगाई गई, ये 304A के जो वेलेबल ऑफेंस है, ये 304 का ऑफेंस है जो नॉन वेलेबल है, ये धारा इनको लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने पुलिस कमिश्नर के बयान में देखा कि हम नॉन ऑफेंस है तो नॉन वेलेबल धारा 304 लगाएंगे जो दिख नहीं रही, यदि लगाए होते तो उसकी गिरफ्तारी होती पुनः और पुनः उसको न्यायालय में पेश किया जाता, ये पुलिस को उसको बचाने का पूरा संरक्षण कर रही है, इसलिए उसके नॉन वेलेबल धारा लगा के उसको वहाँ पेश कर दिया गया उसको। सर मेरा वाला जो बड़ा वाला बच्चा है वो 6 साल पहले पढ़ाई करने के लिए डीवाई पाटिल में गया पुणे, बहुत स्ट्रगल करके हमने उसे पुणे में एडमिशन दिलवाया,
और वो फिर 3-4 साल अपना काम करके पढ़ाई करके जो भी हासिल किया तो उसको सर्विस मिली, वो बढ़िया सर्विस कर रहा था, एक इंजीनियर पद पे था पुणे। क्या घटना हुई फिर उसके साथ? घटना अभी ये जो 19 तारीख घटना हुई, इसके एक दिन पहले एक बात है इसके में, और 2-3 दिन पहले ये दुबई से लौट के आया था। ये अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मैं आऊंगा, मेरे को फॉरेन जाना है, मेरी कंपनी में बात होगी, मैं उधर जाऊंगा। उसके बाद फिर 19 तारीख को जब इसका बर्थडे था, बर्थडे में कहीं पार्टी में थे, हमें कोई पता ही चला, और अचानक रात को 3 बजे इसकी मम्मी का फोन आता है कि आपके बच्चे का मतलब एक्सीडेंट हो गया। फिर बाद में बोलते हैं कि वो रहा नहीं इस अस्पताल, और अचानक बोलते हैं आप डायरेक्ट पुणे आ जाओ। ऐसे अचानक एक आदमी कैसे जा सकता था पुणे? तो क्या अभी जो गाड़ी का पता चल रहा है कि गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड नहीं थी, रजिस्ट्रेशन नहीं था गाड़ी का, क्या उसके बारे में? गाड़ी के बारे में न्यूज के द्वारा सुना, और भी जो बच्चे लोग हैं उनके द्वारा सुना कि वो गाड़ी बहुत करोड़ों की गाड़ी है, और वो गाड़ी में चलाने वाले 4 लोग बैठे थे जिसमें एक नाबालिग चला रहा था उसके, जिसकी उम्र 17 साल है, ये हमें पता चला 17 साल थी, और जो 4 लोगों ने ड्रिंक किया हुआ था। अच्छा, तो परिवार क्या मांग करता है अभी आपको? हमारे परिवार देखिए किसी कोई सजा मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो 2 हाथ थे, 2 हाथ में बड़ा वाला बच्चा हमारा कमाने वाला था, उसको लाखों की सैलरी जो मिलती रही उसी से हमारा बच्चा छोटा वाला पढ़ाई करता, आज वो सैलरी उसकी नहीं मिलेगी, सब तरह से नुकसान हो गया, तो वो कौन भरपाई करे, हम कैसे बच्चे की पढ़ाई आगे करेंगे, हमें ये सरदर्दी हो रही है। अच्छा, तो सरकार जो है वहाँ की कोऑपरेट कर रही है, वहाँ पर पुलिस जो है कोऑपरेट कर रही है? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना घटी है उस दिन का दबाव बहुत था, सुनने में भी आया था लाखों रुपए पुलिस वालों में बांट दिए गए, और हमारे बच्चों को परेशान किया गया कि 2 बजे आपकी इस हॉस्पिटल से बॉडी आप लेकर के जाएं, और हमारा सिर्फ छोटा और बच्चा उधर था, और कोई इनके ना पुलिस सपोर्ट किया, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं हुआ।